शायद ही कुछ व्यक्तियों को इस बात का ज्ञान हो कि श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भागवत गीता के प्राय 3 मास पश्चात दोबारा आध्यात्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। इस रहस्यमय गूढ़ ज्ञान को महाभारत में अनुगीता नाम से संबोधित किया गया है। अनु अर्थात बाद में या पश्चात। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राजतिलक हो जाने के पश्चात श्री कृष्ण कई मास तक हस्तिनापुर में पांडवों के पास ही रुके रहे। इसी काल में अर्जुन के पुनः संदेह और जिज्ञासा के कारण पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोबारा उपदेश दिया। वह उपदेश ही अनुगीता के नाम से महाभारत में वर्णित है। इस अनुगीता की भी अपनी निजी विशिष्टताएं हैं। एक तो यह गीता युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में ना होकर सुविधा संपन्न सभा मंडप में आराम से बैठकर सुनाई गई है। दूसरे, इसमें श्री कृष्ण एक अत्यंत निकट मित्र की तरह अधिक सरस और सहज होने के साथ साथ व्याख्यात्मक अधिक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संदर्भों और प्रमाणों के द्वारा बौद्धिक दृष्टि से अर्जुन के सामने प्रस्तुत की है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कही गई श्रीमद्भागवत गीता को समझने के लिए इस अनुगीता का ज्ञान बहुत उपयोगी है। युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में अत्यंत त्वरापूर्वक तथा सूत्र रूप से जो अधिकतम कहा जा सकता था वह श्री कृष्ण ने कहा, परंतु अनुगीता में समय का कोई बंधन नहीं था। अतः इसमें आध्यात्म विषय का विस्तार और उद्घाटन अधिक मुक्त रूप से हुआ है। युद्ध क्षेत्र में सुनाई गई भगवद गीता में जहाँ संपूर्ण श्लोक 700 हैं और अध्याय 18 हैं, वहाँ इस अनुगीता में श्लोक 800 से कुछ ऊपर हैं और अध्याय 36 हैं। श्री अनुगीता पहला अध्याय। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश करके जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे, उन दिनों उन दोनों में क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तब वे उस दिव्य सभा भवन में आनंदपूर्वक रहने लगे। नरेश्वर, एक दिन वहां स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घामते सभा मंडप के एक स्थान पर पहुंचे जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाबाहो देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरी स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है। माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बार बार उत्कंठा होती है। इस पर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे एक बार और सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत अप्रिय है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना
संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों क्या त्यों नहीं कह सकता, क्योंकि वह धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था, अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, जिससे तुम उस समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त करोगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। शत्रुदमन, एक दिन की बात है, एक दुधर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर स्वर्गलोक में होते हुए मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। भरत श्रेष्ठ, मेरे प्रश्न का उन्होंने सुंदर विधि से उत्तर दिया। पार्थ, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार ना करके इसे ध्यानपूर्वक सुनो। ब्राह्मण ने कहा, श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। हे प्रभु, सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, प्राण पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त भी भांति भांति विचरने वाले, सिद्ध शांतचित्त जितेंद्रिय ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान, सर्वत्र घूमने वाले और अंतर्ध्यान विद्या के ज्ञाता थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ वे विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त ना होकर सर्वत्र प्रभावित होती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भाव से स्वच्छता पूर्वक विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी तपस्वी धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। हे जनार्दन, अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया, वह मैं आपको बताता हूँ, सुनो। सिद्धि ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं, पर जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों ना प्राप्त हो जाए, वहाँ से भी बार बार नीचे ही आना पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप कर्म किए हैं, उनके सेवन के फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है, तरह तरह के आहार ग्रहण किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है, अनघ बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं, विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है, कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रियजनों का संयोग हुआ है, जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था
वह मेरे देखते देखते ही नष्ट हो गया। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े। तन और मन की अत्यंत भयानक वेदनाएं सहनी पड़ी। मैंने अनेक बार घोर अपमान, प्राणदंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। मुझे नरक में गिरना और यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को सहना पड़ा है। इस लोक में जन्म लेकर मैंने बार बार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग द्वेषादि द्वंद्वों के प्रचुर दुख सदा ही भोगे हैं। इस प्रकार बार बार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैं दुखों से घबराकर निराकार परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस लोक में अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूँगा। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम लोक में जाऊंगा, फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्य लोक में जाकर पहुंचूंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले काश्यप, अब मैं पुनः इस मत्स्य लोक में नहीं आऊंगा। महाप्राज्ञ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके प्राप्त होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया है। विद्वान, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कहता हूँ कि बड़े बुद्धिमान हो।